आज की इस सेशन में मैं आपको रिकर्सिव फंक्शन के बारे में बताऊंगा. व्हाट इज ऑल अबाउट. आज तक आपने कभी किसी फंक्शन को कॉल किया होगा तो हम नॉर्मली एक फंक्शन में से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं. वी नॉर्मली कॉल अ फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन. बट जब कभी फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर ले, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ रिकर्शन. आपने कई बार कुछ लोगों में ऐसी प्रॉब्लम देखी होगी कि वो अपने आप से ही बात करते रहते हैं, पैदल चल रहे हैं और अपने आप से ही बात कर रहे हैं. दे आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ रिकर्शन. सो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, अ फंक्शन डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कॉल्स इटसेल्फ इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड अ व्हाट, रिकर्सिव फंक्शन. मैं आपको इससे रिलेटेड एक सिंपल सा आपको कोड दिखाना चाहता हूं. सी दिस इज द क्लास. ये एक फैक्टोरियल का फंक्शन है, एक मेथड है. बट आप हमेशा ध्यान रखना, हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वह हमेशा मेन से शुरू होता है. मैंने यहां पर कुछ वेरिएबल्स बनाए, जैसे एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम लिखा के. वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग. इसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या ली, 5. एक वेरिएबल और बनाया विच इज एफ. हमने यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. जब कभी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो पहले इधर की चीज चलती. आपको ये तो पता ही है कि क्लास के अंदर से जब भी कभी कोई नॉन स्टैटिक मेथड अगर हमें कॉल कराना होता तो क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाते ही. जो आपने के में वैल्यू डाली होगी वही वैल्यू हमारी किस में आ गई होगी, एन. तो एन की वैल्यू भी कितनी होगी, 5. यहां पे सिंपल चेक किया गया, एन की वैल्यू 0 तो नहीं है क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, बट हमारे केस में तो 5 है तो वो यहां आया. अब आपको बस ये समझना है कि ये मेथड या जो ये फंक्शन है उसका नाम फैक्ट है. और देखिए यहां पे हो क्या रहा है. यहां पर सिंपल 5 इंटू, क्योंकि एन की वैल्यू तो 5 है. देखिए फैक्ट में से, इस फैक्ट में से हमने फैक्ट को ही कॉल करा लिया. क्या लिखा है यहां पर, फैक्ट एन माइनस 1. यानी कि दोबारा से यही फंक्शन कॉल हुआ, बट इस बार क्या हुआ होगा, इस एन की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 4. सो यही दौर चलता गया होगा, 5 × 4 × 3 × 1. जैसे इसकी वैल्यू 0 हुई होगी, यहां से 1 आया होता, ये 1 मैंने वही लिख दिया है. तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5. आप इसे कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यू जो रिटर्न होकर आई होगी वो किस में आके स्टोर हो गई होगी, एफ में. हालांकि इसका और एक एक्सप्लेनेशन हो सकता था, बट मैं अगर आपको एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन दूं तो बस मैं आपको इस प्रोग्राम में यह समझाना चाहता हूं कि दिस इज वन फंक्शन और वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन विद डिफरेंट आर्गुमेंट. रिकर्सन में हमेशा प्रॉब्लम छोटी होती चली जाती है. ऐसे लो जैसे कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा सा बॉक्स आपको दिया, जब आपने उसे खोला तो उसमें और एक छोटा बॉक्स निकला, फिर आपने उसे खोला तो फिर एक छोटा बॉक्स निकला. यही दौर चलता गया और वो बॉक्स बहुत छोटा सा हो गया और उसमें फिर एक डायमंड की रिंग निकली. मैंने आपको इस स्टोरी से क्या समझाया, देखिए वो बंदा बार बार सेम प्रोसेस कर रहा, बार बार बॉक्स को खोल रहा है, बट उसकी प्रॉब्लम बार बार मिनिमाइज होती जा रही है, छोटी होती जा रही है उसकी प्रॉब्लम. सेम कॉन्सेप्ट इज हियर. पहले ये 5 के लिए चला, फिर यही 4 के लिए चला, फिर 3 के लिए चला,
सो अभी मैं इसकी बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता, बट आपको ही मैं बता दूं, स्टैक में हर फंक्शन के लिए अलग अलग मेमोरी मिलती है। जब आपने यहां से कॉल कराया था तो यहां पर n की वैल्यू 5 थी, और यहां पर आपने 5 इंटू फैक्ट और यहां पर 4 के लिए फिर कॉल करा लिया था। अरे भाई, n की वैल्यू पहली बार में 5, वो मैंने यहां लिख दी, इंटू फैक्ट n माइनस 1 ना, सो विच इज व्हाट, विच इज 4। जब 4 के लिए कॉल हुआ होगा दोबारा से, तो इसके लिए एक नई जगह बनी होगी। हर बार फंक्शन अपना स्टैक में एक नया फ्रेम बनाता है, और यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4। फिर यहां पर क्या कर रहा होगा, 4 इंटू फैक्ट और ब्रैकेट में क्या डाला होगा, 3। फिर इसी तरीके से फिर बनाया होगा, यहां पर n की वैल्यू 3 होगी, फिर 3 इंटू फैक्ट, यहां पे फिर 2 डाला होगा, फिर एक और बना होगा ऐसे ही। इसको छोटा भी किया जा सकता था, n की वैल्यू 3 भी रखी जा सकती थी शुरुआत में, बट बन गया तो चलो देख लेते हैं। अब यहां पर n की वैल्यू 2 हुई, 2 इंटू फैक्ट और यहां पर 1, और फिर से हम यहां पर आए और यहां पर अब n की वैल्यू कितनी होगी, 1, और 1 इंटू फैक्ट और इसमें क्या डाला, 0। जब 0 पर गया होगा, n की वैल्यू 0 हुई होगी, तो यहां से 1 आया होगा। कंट्रोल लौट के वापस वहीं आता है जहां से गया था, तो जब फैक्ट 0 वाला यहां गया होगा तो लौट के तो यहीं आया, ये हटा और इस जगह पर क्या रिटर्न होकर आया होगा, 1। अरे रिटर्न 1, 1 इंटू 1 हुआ होगा, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1। जब ये खत्म हो गया होगा तो आया कहां से था, ये इस जगह से, इस वाली जगह पर क्या आया होगा, यहां 1। अरे यहां से 1 ही तो लेके आया, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2। जब ये खत्म हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो ये 2 यहां पहुंचा होगा, 2 इंटू 3 6 हो गया होगा, 6 यहां पे आ गया होगा, 6 इंटू 4 यहां पर 24 आया होगा, 24 इंटू 5 कितना हो गया होगा, 120, और वो कहां आया होगा, इस जगह पर आया होगा। इस f की वैल्यू को आपने क्या किया, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, डबल कोट्स में कोई भी चीज जो लिखते हैं ना, वो एज इट इज प्रिंट होती है। यहां पर k की वैल्यू आई, और यहां पर k की जगह 5 इज, और f की वैल्यू क्या हो गई होगी, 120। दैट्स इट। सो इस पूरे प्रोग्राम में अगर आपको कुछ सीखना चाहिए, तो मेरी समझ में यह सीखना चाहिए, दिस इज द मेथड, और इसमें से मैं उसी मेथड को दोबारा से कॉल करा रहा हूं। सो आई होप आपको रिकर्शन में थोड़ा सा समझ में जरूर आया होगा। दिस वॉज द रिकर्शन प्रोग्राम, राइट। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।